तो बढ़ते हैं अगली खबर, हम आपको दिखाते हैं चंडीमाड़ एरिया से, जहां पे सुरम कोट SHO अंजर मीर ने और बैराम गला चौकी के इंचार्ज ने इस मौका पे वहां पे लोगों के साथ एक खसूसी मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में वहां पे मकामी लोगों ने शमूलियत की और उन्हें तमाम तर पुलिस के एक लाइजन के हवाले से ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम तर मामला लोगों के साथ डिस्कस किए गए और लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी जो थी वो भी पुलिस अफिसरान के सामने रखी। के हिसाब से अगर ज्यादा ही थोड़ा क्रिटिकल होगा वो तो उधर ही मर जाता है। उसके बाद कहीं और मसाइल हैं, जैसे पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, इंशाल्लाह सब काम हो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा मॉनिटर करने की जरूरत है। तो रोड के हवाले से यह है कि SHO साहब के इनकी वसादत से कहना चाहूंगा कि जितना भी हो सके हमारा ये मैसेज आगे पहुंचाएं। रोड कनेक्टिविटी जो है किसी भी सोसाइटी किसी भी विलेज की डेवलपमेंट के लिए जो रोड कनेक्टिविटी जो है वो जरूरी है। तो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, जहां पे आज हजूर ताजुश शरिया की जो हाल ही में जो वफात पा गए, इस जहान फानी से कूच कर गए, इस सिलसिले में एक ताजीती महफिल मुनक्किद की गई। ये महफिल मौलाना मंजूर हुसैन कादरी की जेर सरपरस्ती हुई, जिसमें मदरसा के बच्चों ने भी शमूलियत की और दरगाह पे आने वाले हाजरीन ने भी इस खुसूसी पा अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं मंडी से, जहां पे अड़ाई एरिया के करीब के जो डॉक हैं, तकरीबन 2 घंटे का सफर वहां पे तय करके यूथ उस एरिया में जाती है और बागसा एरिया और ये जो डॉक का एरिया है इसमें वहां पे लोग जाके खासकर यूथ जो है वहां पे क्रिकेट खेलती है। और खासकर जब ये बाहर का मौसम होता है तो एक तो मौसम की खूबसूरती और दूसरी तरफ वहां की जो बेहतरीन सब्जा है उसे देखते ही बनता है। इस सिलसिले में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तो कोई कोशिश नहीं की, लेकिन जब से वहां पे यूथ जाना स्टार्ट हुई है ये चीजें जो है बाहर आना शुरू हुई है। और इस सिलसिले में यूथ ने सरकार से ये गुजारिश की है कि कम से कम उस एरिया की जो यूथ है उसके लिए एक ग्राउंड जो है एक प्ले ग्राउंड जरूर बनवाया जाए ताकि ये प्रॉब्लम जो है उनकी हल हो सके। मंडी से रियाज मलिक की रिपोर्ट। जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये ब्लॉक मंडी से तकरीबन 4 घंटे चलकर पैदल चलकर यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि इतनी दूर दराज इलाके में आकर हमें यहाँ पे टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गांव अड़ाई में जगह अवेलेबल होने के बावजूद भी वो जगह किसी तरतीब से नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से हमें दूर दूर जगहों पर जाकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता है। इस वक्त हम अड़ाई के टॉप पर मौजूद है, जहाँ पे 3-4 घंटे का सफर तय करके यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के हमारे नौजवान तबका के जो नौजवान हैं उनको खेलने का शौक है और उस नजरिए को लेकर यहाँ पे वो खेलने के लिए आए हैं इतना सफर तय करके, क्योंकि गांव में कहीं भी जगह ऐसी नहीं। मैं ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पूरी आवाम की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारे गांव में एक प्ले ग्राउंड दिया जाए कि जहाँ पे हमारे प्लेयर जो है वो अच्छे ढंग से खेल कर अपने मुस्तकबिल को आगे ले जा सकें।
और मेयर और रियासत के बाकी नौजवानों के साथ भी ये जुड़ सकें। पस मंजर न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। पस मंजर न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपनी राय से हमें जरूर नवाजिए।